Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Pegasus spyware कांड के बाद एक बार फिर से विपक्षों के फोन हैक किए जा रहे हैं। फोन कंपनी एप्पल की तरफ से अलर्ट मैसेज जारी किए गए हैं। इस आशय का दावा करते हुए टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने राजनीतिक हलकों में सनसनी फैला दी है। महुआ के साथ ही सांसद शशि थरूर, शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा और ओवैसी ने स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए आरोप लगाया कि उनके फोन व ईमेल हैक किए जा रहे हैं। महुआ ने यहां तक कह दिया है कि मुझे आपके डर पर अब दया आती है। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि इस तरीके के हथकंडों से वह डरने वाले नहीं है। अभी तक लगता था कि मोदी देश को चला रहे हैं, लेकिन अब साफ हो चुका है कि यह देश अडानी चला रहे हैं। अडानी से जुड़े हुए सवाल वे पूछते रहेंगे, डरेंगे नहीं। उधर सरकार के सूत्रों ने दावा किया है कि एप्पल का एल्गोरिथम बिगड़ने की वजह से यह अलर्ट आए हैं। सरकार जल्द ही इस बारे में अपना जवाब जारी करेगी। हालांकि यह कहना बेहद जल्दबाजी होगा कब। 2014 के बाद यह दूसरा मौका है जब विपक्ष के प्रमुख नेताओं के फोन हैक करने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। इस बार खुद मोबाइल प्रदाता कंपनी एप्पल ने इस आशय का अलर्ट जारी किया है। इस आशय का दावा स्वयं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने किया है। इसके बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर, शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा आदि ने भी एप्पल की तरफ से आए अलर्ट मैसेज का स्क्रीनशॉट शेयर किया है। दिलचस्प बात यह भी है कि इस आशय का अलर्ट मिलने का दावा AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी स्क्रीनशॉट जारी करते हुए किया है। महुआ ने दावा किया है कि आप सांसद राघव चड्ढा, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, CPM महासचिव सीताराम येचुरी के फोन पर भी अलर्ट आया है। महुआ ने गृह मंत्रालय को टैग करते हुए आगे लिखा है कि अडानी और PMO के लोग जो मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, आपके डर से मुझे आप पर अब दया आ रही है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी ट्वीट कर बताया कि उनके पास भी एप्पल की ओर से अलर्ट आया है। उन्होंने कहा कि मेरे जैसे टैक्स पेयर के खर्चों में अल्प रोजगार अधिकारियों को व्यस्त रखने में खुशी हुई। राघव चड्ढा ने भी स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं। एप्पल की तरफ से जारी इस अलर्ट में कहा गया है कि अगर आपके डिवाइस के साथ किसी राज्य प्रायोजित हमलावर ने छेड़छाड़ की है तो वे आपके संवेदनशील डेटा, कम्युनिकेशन या यहां तक कि कैमरा और माइक्रोफोन तक पहुंचने में सक्षम हो सकते हैं। देखिए क्या कहा है प्रमुख विपक्षी नेताओं ने। 20 साल से मैं एप्पल की यूजर हूं और सारे एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं, पर कभी इस तरीके का मैसेज नहीं आया है जहां वो वार्निंग दे रहे हैं और वो कंसर्न दे रहे हैं कि स्टेट स्पॉन्सर अटैक है। वो कह रहे हैं कि स्टेट से प्रायोजित कार्यक्रम है और आपको इस पे संज्ञान लेना है, और साथ ही साथ कुछ उन्होंने स्टेप्स बताए हैं कि क्या क्या कर सकते हैं टू कीप योर फोन सेफ। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बौखलाहट केंद्र सरकार में है कि विपक्ष के जो जो नेताएं हैं उनके ऊपर इस तरीके का सर्वेलेंस हो रहा है। मैं बस यही कहूंगी कि आप कितना भी सर्वेलेंस करने की कोशिश कर लीजिए, आप हमें चुप कराने की कोशिश करिए, आप हमें हम पे आरोप लगाइए, हिट जॉब हम पर करिए, पर हम सवाल पूछते रहेंगे केंद्र सरकार से। अडानी का भ्रष्टाचार हो, पेगासस हो और जिस तरीके से केंद्र सरकार में तानाशाही रवैया अपनाया है, उन सारे सवालों के जवाब हम केंद्र सरकार से मांगे। उधर राहुल गांधी ने भी केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि जब हम अडानी का मुद्दा उठाते हैं, IT एजेंसी, CBI, ID सभी एक साथ आ जाते हैं। पहले मुझे लगता था कि PM मोदी नंबर एक पर है और अडानी दूसरे नंबर पर, लेकिन अब मुझे लगता है कि अडानी पहले नंबर पर है, मोदी नंबर दो पर। यह ध्यान भटकाने वाली राजनीति है। राहुल गांधी ने फोन में एप्पल का अलर्ट दिखाते हुए कहा है कि मेरे ऑफिस से यह मैसेज आया है। देखिए क्या कहा है राहुल गांधी ने। पहले सोचता था नंबर वन प्राइम मिनिस्टर, नंबर टू अदानी, नंबर थ्री अमित शाह। एक्चुअली ये गलत है। नंबर वन अदानी, नंबर टू प्राइम मिनिस्टर, नंबर थ्री अमित शाह। अब हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स हमें समझ आ गई है और अदानी जी बच के नहीं निकल सकते, क्योंकि अदानी जी को हमने ऐसे घेरा है
तोते को हमने ऐसा पकड़ा है कि वो बच के नहीं निकल सकता है। तो ये आपको झूठे भविष्य की का वायदा करते हैं, और जो आपका धन है आपके आंखों के सामने आपसे छीन के ले जा रहे हैं। ये हिंदुस्तान की आज सच्चाई है। कम लोग हैं जो इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, मगर हम डरने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। जितनी टैपिंग करनी है कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको मेरा फोन चाहिए मैं दे देता हूं आपको, उठा के ले लो। आप देखिए पूरे ऑपोजिशन के खिलाफ यहां पे एप्पल का नोटिस आता है, मैंने इसको थोड़ा आपके लिए बड़ा करके दिखाया है, देखिए अच्छी तरह देखिए, ये तोते का काम है, राइट। इसमें लिखा है एप्पल बिलीव्स यू आर बीइंग टारगेटेड बाय स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स हु आर ट्राइंग टू रिमोटली कॉम्प्रोमाइज द आईफोन एसोसिएटेड विद योर एप्पल आईडी। अब ये मेरे ऑफिस में सब लोगों को मिला है, वेणुगोपाल जी को मिला है, कांग्रेस पार्टी में लिस्ट बनी हुई है, पवन खेड़ा, सुप्रिया, सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव, प्रियंका चतुर्वेदी, महुआ मोइत्रा, राघव चड्ढा, टीएस सिंहदेव, लिस्ट है। और ये सारे के सारे किसी ना किसी तरीके से इस मामले में इन्वॉल्व है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।